नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पूरे विश्व भर के साथ देश में भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत समेत कई देशों में तेजी से वैक्सीन का काम भी चल रहा है। लाखों लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। हालांकि किसी वैक्सीन को अब तक ग्लोबल अप्रूवल नहीं मिला है। रूस और चीन में लोगों के एक्सपेरिमेंट के तौर पर वैक्सीन देना शुरू किया गया है। दुनिया भर में 9 वैक्सीन ऐसी हैं जिनके तीसरे चरण का ट्रायल या तो शुरू हो गया है या फिर शुरू होने वाला है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का भी तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो सकता है। कोवैक्सीन टीका के दूसरे चरण का परीक्षण चल रहा है और कुछ स्थानों पर स्वयंसेवियों को दूसरी खुराक अभी नहीं दी गई है। समिति ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद कहा कि तीसरे चरण के अध्ययन का डिजाइन सिद्धांत रूप में संतोषजनक है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने जर्मनी की बायोएनटेक के साथ मिलकर जो वैक्सीन तैयार की है उसके शुरुआती डेटा का एनालिसिस अगले 2 महीने में होगा। इसी दौरान मॉडर्ना की वैक्सीन के डेटा का भी रिव्यू होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी फाइनल स्टेज में है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी ज्यादा पीछे नहीं है। चीन की 3 वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में है, लेकिन ग्लोबली उन पर कोई देश पक्का भरोसा नहीं कर रहा। वैक्सीन के ट्रायल्स का डेटा रेगुलेटर्स के पास जाएगा। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के वैक्सीन रेगुलेटर्स ने कहा है कि वैक्सीन की सेफ्टी सुनिश्चित करने के बाद ही अप्रूवल होगा। फाइजर बायोएनटेक ने कहा है कि उसे इस महीने पता लग जाएगा कि उसकर वैक्सीन कितनी असरदार है। मॉडर्ना का डेटा अगले महीने तक आने की संभावना है। एस्ट्राजेनेका ने भी अगले 2 महीने में डेटा रिव्यू की बात कही है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि वे रिव्यू प्रोसेस तेज करेंगे ताकि इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया जा सके, यानी इस साल के अंत तक कोई वैक्सीन अप्रूव हो सकती है। अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं।